बहुत बुरा लगा, मैं पेशावर की सपोर्टर हूँ, मुझे इतना बुरा लगा बाबर एक स्कोर बना के आउट हो गया तो मेरा तो दिल वही टूट गया। एक बनाया था उसने, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद साइन भी चला गया तो मुझे और ही बुरा लगा। तो स्पेशली पेशावर के सपोर्ट करने आए थे, मैं शुरू से पेशावर को सपोर्ट करती हूं। स्पेशली खर्चा किया है हमने, शर्टें ली हैं। अभी आप कुछ गाना गा रहे थे, प्रोग्राम तो गया, प्रोग्राम तो गया नहीं, अभी आप कह रहे थे मार डाला, मार डाला। किसने मार डाला? ये बाबर ने, बाबर हमेशा, बस बाबर को कोई बुरा नहीं कह सकता, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, वो तो बाबर को बुरा नहीं कह रही, लेकिन वो कह रही है हमेशा ही तो बिना पानी फेर देता होता है। आज भी बहुत ज्यादा हमारा था कि बाबर कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन एज यूजुअल पिछले मैच में सेंचुरी थी तो आज मैं वही बना के आई थी कि आज वो सेंचुरी मारेगा, लेकिन नहीं। आपको क्या लगता है कि नजर लग गई है? नजर लगी है, इस्लामाबाद वालों ने नजर लगाई है, इस्लामाबाद वालों ने नजर लगा दी है बाबर को कि वो आप कुछ कर ना सके, कुछ ना कर सके। आपको क्या लगा जब पहले ओवर में दोनों आउट हुए तब मैच यहाँ से चला गया था? मैं तो मम्मा से कहती हूँ उठो यहाँ से, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा रुक जाओ, फिर आगे जमाल ने अच्छा थोड़ा स्कोर दे दिया, लेकिन अब वो भी आउट हो गया तो मम्मा कहती निकलो यहाँ से। आपको मायूसी तभी रहता था मैच, लेकिन हम निकल आए क्योंकि हमें पता है कि आप कुछ भी नहीं हो सकता। तो जमाल की बैटिंग के बारे में बताएं। टू गुड जमाल के लिए बहुत ज्यादा तालियां, माशाल्लाह। जमाल की बैटिंग बहुत अच्छी थी, उसने क्वार्टर में मैच अच्छा खेला था, जमाल ने बहुत अच्छा खेला। और ठीक है, वही बात है, एंड पे हमारा यही एक नारा होता है, मोए मोए जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। अच्छा, हमें तुमसे प्यार है, लेकिन नसीम शाह ब्रदर दूसरी साइड पे थे, बड़े अच्छा खेले हैं। बहुत अच्छा, नसीम शाह की बॉलिंग टू गुड, उसका भाई हुनैन। क्या आपको क्या लगता है दोबारा वापसी हो रही है नसीम शाह की टीम में? Yes, हो रही है। उसके बाद जो हुनैन ने आज दो जो विकेट एक साथ ली है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन एक साइड का दुख भी हुआ था क्योंकि पेशावर थी। तो शाह ब्रदरा को कुछ कह दें, कोई पैगाम देना चाहेंगे? वी लव यू नसीम शाह। आप कुछ पैगाम दे दें? पैगाम यही है कि मजीद मेहनत की जरूरत है तुम लोगों को, लेकिन वही बात है कि अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन जो स्टार्ट में जो आउट हुए ना, विकेट्स गई हैं, उसकी वजह से मैच बिल्कुल डाउन हो गया। अच्छा खेला जमाल ने, उठाया मैच को, लेकिन एंड पे वही बात है कि एक बंदा कितना खेल सकता था। आपको क्या लगता है बाबर नहीं चलता तो टीम सारी फारिग है? मुझे लगता है, मेरे ओपिनियन में यही है, लेकिन अगर साइम भी नहीं चलता तो बिल्कुल ही जीरो टीम है हमारी। आपको क्या लगता है बाबर और साइम के ऊपर ये टीम है? बाबर और साइम के ऊपर ये टीम है। जाते जाते बाबर को कोई पैगाम दे दे? बाबर तो मेरी जान है, मुझे बाबर, बाबर वी लव यू, मेरा दिल करता है मैं बाबर से जाकर मिलूं, लेकिन इम्पॉसिबल है। आप कुछ बाबर को कहेंगे? बाबर तुम्हें मजीद मेहनत की जरूरत है, तो लिहाजा थोड़ी सी मेहनत और करो ताकि हम फैन बिल्कुल हमेशा तुम्हारे फैन ही रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत अच्छा था आज। मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रही थी और उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और हमें पहली दफा आई थी स्टेडियम और बहुत मजा आया। कैसा लगा नसीम शाह का पहला ओवर? जी, नसीम शाह का ओवर सबसे अच्छा था, वो पूरे मैच में सबसे अच्छा नसीम शाह का ओवर था। और बाबर आजम जैसे आउट हुआ तो सबने, मतलब सलमी के सारे फैंस जो थे वो सारे बहुत ज्यादा मायूस हो गए। जी, शादाब की बैटिंग के बारे में क्या? शादाब ने अच्छी बैटिंग की। शादाब ने, शाह बरादरा छवे हैं जी, तो शाह बरादरा को क्या पैगाम देते हैं? पैगाम यही कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं और सबने बहुत अच्छा खेला इस्लामाबाद में और बहुत खुशी हुई। थैंक यू बेटा।